हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बेबी पोटैटोज बनाने जा रही हूँ। इसे आप स्टार्टर के रूप में या पूरी पराठे के साथ भी ले सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और एक चटपटी डिश है। तो चलिए हम बेबी पोटैटोज बनाना शुरू करते हैं। बेबी पोटैटोज बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है बेबी पोटैटोज, जिसे हमने बॉयल करके पील कर लिया है, कॉर्न फ्लोर, कटा हुआ प्याज, कटी हुई धनिया पत्ती, दरदरी कुटी हुई गार्लिक, हींग, जीरा, ब्लैक पेपर, हल्दी, मिर्ची, नमक, टोमेटो केचप, हरी मिर्च, वाइट विगेनर, सोया सॉस और तेल। हम सबसे पहले आलू को फोक के सहारे ऐसे ऐसे गोद लेंगे, जिससे अपना मसाला जो है अंदर तक जाएगा। आप चाहें तो टूथ पिक से भी ऐसे गोद सकती हैं। तो हम सारे आलू को ऐसे ही गोद लेंगे। सारे पोटैटोज को हमने गोद लिया है। अब हम एक बड़ा सा बाउल लेंगे और उसमें कॉर्न फ्लोर डालेंगे। उसमें हम आधा चम्मच लाल मिर्च डालेंगे और आधा चम्मच हम सॉल्ट डालेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम अपने सारे आलू को डाल देंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, जिससे आलू के ऊपर कॉर्न फ्लोर का कोटिंग हो जाएगा। इसे हम ऐसे टॉस भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं सारे आलू पे कॉर्नफ्लोर का कोटिंग हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। सारे आलू को निकाल लिया है हमने। अब हम गैस पे कढ़ाई में तेल गरम कर लिए हैं। तेल अपना पूरी तरह गरम हो चुका है। इसमें हम पोटैटो को फ्राई कर लेंगे। हमने तेल कम डाला है, इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा करके इसे फ्राई करेंगे। अब हम इसे एक बार उलट लेंगे और तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब हम चारों तरफ से इसे घुमा घुमा के अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम एक प्लेट पे टिश्यू पेपर रखेंगे और आलू को ऐसे टेढ़ा करके निकाल लेंगे, जिससे एक्स्ट्रा तेल जो है वो निकल जाएगा। आप देख रहे हैं कितना सुंदर फ्राई हुआ है। ऐसे ही हम दूसरे बैच को भी डाल देंगे और उसे भी सेम प्रोसेस से फ्राई कर लेंगे। आलू को हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। हमने सारे पोटैटोज फ्राई करके निकाल लिया है। अब हमने एक पैन लिया है, गैस को ऑन कर लेंगे और उसमें तेल डालेंगे। आप चाहें तो जिसमें फ्राई किया जाता है उसमें भी बना सकती हैं। अब हम इसमें जीरा डालेंगे, हींग डालेंगे और इसको हल्का सा भूनने देंगे। जीरा चटकने लगा है। अब इसमें हम गार्लिक डालेंगे।
गार्लिक को हमने दरदरा कूट लिया है। गार्लिक हम थोड़ा ज्यादा डालेंगे क्योंकि बेबी पोटैटोज में गार्लिक का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया लगता है। गार्लिक ब्राउन हो चुका है, अब इसमें हम कटा हुआ ऑनियन डालेंगे और इसे भी हम रोस्ट कर लेंगे। साथ में हम कटी हुई हरी मिर्च भी डालेंगे। इसे हम ब्राउन होने तक भून लेंगे। आप देख रहे हैं प्याज लहसुन सॉफ्ट हो चुका है, अब इसमें हम रेड चिल्ली डालेंगे। ये चिल्ली जो है वो कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे कलर आता है, तीखा कम होता है। और इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये कूटी हुई ब्लैक पेपर है, इसे हम डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम 2 बड़े चम्मच टोमेटो केचप डालेंगे, इसे भी मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच हम व्हाइट विगिनर डालेंगे, 1 चम्मच हम सोया सॉस डालेंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये अपना सारा इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो चुका है, इसमें हम धनिया पत्ता डालेंगे। तो धनिया पत्ता हम थोड़ा सा रख लेंगे गार्निशिंग के लिए और इसे मिक्स कर लेंगे। और ये जो अपना आलू हमने मिक्स किया था उसमें से थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर बच गया था, उसका हमने घोल बना लिया है। तो इसी के साथ हम इसमें ये भी डाल देंगे और गैस का फ्लेम तेज करके इसे हम अच्छे से पका लेंगे। ग्रेवी बनकर तैयार है, इसमें हम पोटैटोस डाल देंगे। तो इसे हम आराम आराम से डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके और हम मिक्स हो चुका है, अब हम इसे कवर करके 1 मिनट तक पकने देंगे जिससे आलू के अंदर ग्रेवी चला जाए। 1 मिनट हो चुके हैं, अब हम कवर हटा के इसे एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं अपने आलू पे ग्रेवी का कोटिंग चढ़ चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और एक सर्विंग प्लेट लेंगे और उसमें पोटैटोस निकाल लेंगे। कितना प्यारा कलर आया है, बेबी पोटैटोस बनकर तैयार है। इसे हम धनिया पत्ता से गार्निश करेंगे। तो ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।